तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। एंड सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है तो आज हम फिर से कुछ नया बनाएंगे और आज हम बनाएंगे भिंडी, जैसे कि नॉर्मली सब बनाते हैं। और हम भी बनाएंगे आज कुछ बढ़िया भिंडी बनाते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो फिर भिंडी बनाने की स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा देरी हम नहीं लगाएंगे। ओके, तो गाइस ये हमने आधी किलो भिंडी ले ली हैं और इन्हें हमने काट लिया है। और ये दो प्याज ले लिए हैं और ये 7 से 8 मिर्च ले ली हैं हरी। और ये हमने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है और अब ये गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज और इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्च। और ये भी हमने सरसों का ही तेल लिया है। लगभग आप इसको 5 से 10 मिनट चलाते रहें जिससे प्याज अच्छी तरीके से भुंज जाए, मतलब फ्राई हो जाए। आप इसको 10 से 5 मिनट भूंजते रहें गाइस, जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। तो गाइस हमारी ये प्याज भुन चुका है अच्छे तरीके से, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने का। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी। अब थोड़ा सा हल्दी हम भूंज ले रहे हैं और अब हम डाल रहे हैं इसमें भिंडी, जो हमने भिंडी काट ली थी आधी किलो। इसको थोड़ी देर चला दे भिंडी को, जिससे हल्दी अच्छी तरीके से लग जाए भिंडी में, मेल्ट हो जाए। और गाइस अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, आप अपना रख सकते हैं, आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। तो गाइस अब हम इसमें डाल देते हैं पिसी धनिया 2 चम्मच। ये हमने 1 टीस्पून अब इसमें पिसी धनिया डाल दिया और ये 2 टीस्पून पिसी धनिया, 2 चम्मच पिसी धनिया हम इसमें डाल चुके हैं। आमचूर पाउडर अब हम इसमें डाल लें, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून हमने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया गाइस। अब इसको चला देते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल मसाले अच्छी तरीके से इसमें लग चुके हैं भिंडी में। तो गाइस अब हम इसमें 1 चम्मच और डाल लें पिसी धनिया। हमने इसमें कुल 3 चम्मच पिसी धनिया हमने इसमें डाली है, बाद में 1 चम्मच और डाली हमने। 3 चम्मच हम इसमें पिसी धनिया डाल चुके हैं गाइस। और अब हम इसको बंद कर देंगे। तो गाइस अब हम इसे ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद अब हमारी भिंडी पकेंगी। और गैस को रखना है आपको मीडियम, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम लो कंडीशन में। 15 मिनट तक अब ये भिंडी हमारी पकेंगी। चलो फिर मिलते हैं आपको 15 मिनट बाद। तो गाइस ये हमारी भिंडी पक चुकी हैं और अब गैस को कर देते हैं बंद। और अब हम हटा के देखते हैं थाली। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी भिंडी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। 15 मिनट लगे इसे पकने में। ये देखो गाइस भिंडी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो गाइस आप इसको थोड़ा सा ना गैस ऑन करके थोड़ा सा ऐसे भूंज ले 5 मिनट। तो गाइस अब हमारी भिंडी अच्छी तरीके से भुन चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो अब हम इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं गाइस। ये देखो
तो गाइस ये हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये भिंडी भी बहुत ही बढ़िया बनी है, और आप भी अपने घर में बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। ये देखो गाइस, भिंडी और मसाले इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं, और प्याज भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से लगा है। और आप भी अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, भिंडी बन चुकी है और हमने आपको दिखा भी दी, तो आप भी अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए। और मेथड आपको बता ही दिया है, और वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ और किसी नई वीडियो के साथ। और तब तक ले जय हिंद जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और कमेंट तो आपको करने आपको पता है। जय हिंद, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।